नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडियन रेलवेज नॉलेज। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे में जैसा कि एक नया अपडेट आया। दोस्तों भारतीय रेलवे ने जैसा कि कुछ दिन पहले हम लोग जानते थे कि भारतीय रेलवे अपने ट्रेनों में जनरल कोचों को कम करके और एसी के कोच बढ़ा रही थी दोस्तों, जिससे रेलवे को काफ़ी फायदा हो रहा था और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। दोस्तों जो प्रॉब्लम्स ये आई कि जो आम नागरिक है देश के, वो आम नागरिक जो है वो सही तरीके से अपनी जर्नी को पूरा नहीं कर पा रहे थे और वो लोग अनरिजर्व टिकट लेते थे। दोस्तों जो जनरल कोच है वो बिल्कुल अनरिजर्व टिकट होता है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, जिस वजह से सारी इतने भीड़ हो जाते थे कि बहुत ही समस्या होती थी। दोस्तों इतनी भीड़ होने की वजह से इसी समस्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक नया फैसला लिया है और उन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके से जनरल कोच में इतनी समस्या होती थी, लोगों को खड़े होने की भी जगह नहीं रहती थी, और ठीक यही इसी चीज़ को भारतीय रेलवे ने देखा और इस चीज़ को समझा और उन्होंने ये कहा अभी अपडेट जो आई है। तो दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने जो नया अपडेट लाया उसमें उन्होंने ये परिवर्तन किया है कि जो जनरल कोचेज होंगे, अब जनरल कोचेज की संख्या प्रत्येक ट्रेन में चार कोचेज की संख्या होंगी जनरल कोच की, और उसके बाद जो स्लीपर कोच होंगे वो हमारे 10 कोच होंगे, मतलब 6 कोच होंगे, यानी दोनों को ग्रुप करके वो 10 कोच होंगे ही। यानी दोस्तों जो रेलवे ने कंपलसरी कर दिया, और रेलवे ने एक और चीज़ नया अपडेट लाया, उन्होंने कहा कि जो जनरल कोच हैं और स्लीपर कोच हैं, इन दोनों कोचों में पूरी तरीके से हमें क्या दी जाएगी, फैसिलिटी दी जाएगी, यानी हमें पूरी तरीके से सीट रिजर्व मिलेंगे, यानी कंफर्म सीट अब जनरल कोच में भी मिलेगा। तो दोस्तों भारतीय रेलवे में ये फैसला आपको कैसा लगा कि जनरल कोच में भी अब कंफर्म टिकट मिल पाएगी यात्रियों को, दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।